Srimad Jagadguru Shankaracharya Parampujya Swami Nishayananda Saraswati Maharaj, Chairman of the Bhaktavi Sekh Mahotsav Sanchalak Samiti, His Highness Gajapati Maharaj Divya Singh Deo, eminent sages, scholars, and dignitaries, distinguished ladies and gentlemen. At the onset, I would like to convey my best wishes to His Holiness Sraddhaya Srimad Jagadguru Shankaracharya Param Pujya Swami Nishalananda Saraswati Maharaj on his completion of 25 years of Patta Abhishek as the 145th Srimad Jagadguru of Shri Govardhan Math Puri Udain Peet. At this time, allow me also to express heartfelt greetings and best wishes from the people of Nepal. I am at once reminded of the symbiotic significance of the convergence of Sri Jagannath, Sri Gorakhnath, and Sri Pasupatinath. As we all know, the Govardhan Math was established by Adi Shankaracharya about 2500 years ago as one of the four centers dedicated to the revival of the Sanatan Dharma, which till this day encompasses the very essence of Hinduism. Unlike other religions, it emphasizes a way of life that leads to moksha or spiritual liberation. It teaches us that knowing yourself is the beginning of all wisdom. In grappling with the challenges of the modern world, it is essential that we remain steadfast on the path of righteousness, convinced in the ability of our great religion to engage with modernity while coping with various threats for the greater good of mankind. We must learn to accept the fact that to live is the rarest thing in the world. Unfortunately, most people only exist, that is all. While thanking the organizers for this wonderful opportunity to participate in this momentous occasion, I wish His Holiness continued good health and happiness, and happily commend his unwavering patronage to the promotion and protection of the Sanatan Dharma. Thank you.
नेपाल नरेश जी से हम एक सूचना देना चाहेंगे, शायद ठीक होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। जब नेपाल में कुछ परिस्थिति विचित्र थी, नेपाल हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, पहला आंदोलन पूज्यपाद के मार्गदर्शन में इस धाम से हम लोगों ने 500 की संख्या में संत महंत सभी ने शोभा यात्रा निकाला। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं पीठ की भावना और दिशा और हम लोग क्या चाहते हैं उसका आप आकलन कर सकते हैं। तो अभी मैं निवेदन करूंगा, हमारे परम सौभाग्य की विषय है कि ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन बैंगलोर के व्यक्ति भी बना रहे हैं महाराष्ट्र के इस अवसर पर, और महाराष्ट्र को कुछ भेंट देना चाहते हैं, तो कृपया आ गए हैं बैंगलोर से हैं ब्राह्मण फेडरेशन के। अजी गुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित नरेश द्वय, श्री 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 नेपाल नरेश जी महाराज, श्री पुरी नरेश गजपत जी महाराज, उपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, आप सभी महानुभावों का गोवर्धन मठ में आने पर स्वागत है। और ये मठ किसी व्यक्ति का है भी नहीं और हो भी नहीं सकता है, समूचे राष्ट्र का, समूचे विश्व का केंद्र है। हिंदू सनातन धर्म मानवता के जितने पुजारी हैं उसका संरक्षक, संवर्धन करने वाला ये केंद्र है। आज खुशी की बात है, दो राष्ट्र के दो नरेश इस गोवर्धन मठ में उपस्थित हैं। यहां से ही सनातन धर्म का कल रामराज्य परिषद की गोष्ठी थी। विश्व का केंद्र व्यासपीठ और राजतंत्र, व्यासपीठ से संबंधित संवर्धित राजतंत्र होता आया है। अवतारी पुरुष भगवान राम कृष्ण आदि के समय में भी जब कभी भी संचालन राष्ट्र का हुआ, चक्रवर्ती सम्राट जब जब हुए तब तब ऋषि मुनियों ने ही, व्यासपीठ ने ही संचालन किया। आज मालूम होना चाहिए आप लोगों को, पता नहीं कब कब किन किन युगों में अनादि परंपरा से कितने कितने महल बने और ढह गए, पुनः बने फिर ढह गए। महाभारत आदि में हमारे चक्रवर्ती सम्राटों ने कितने बार स्वर्णमयी इस पृथ्वी को दान में दे दिया, अपने पराक्रम से जीत के इस पृथ्वी को महिमामंडित किया। कहना चाहता हूं, समर्थ गुरुजनों के ओज और तेज पर, तेज से संरक्षित राजा लोग हुआ करते थे तो अपनी सूरता और वीरता के बखान हुआ करते थे। मैं चाहता हूं
राजतंत्र ऐसे राजाओं को अपने धर्म के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर गौरव का अभिमान होके आगे चलें। भगवत्पाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहेगा। हमारे मन संचालक मनोज रथ जी ने अभी कहा, नेपाल की स्थिति जब बिगड़ी तो सबसे प्रथम यहां से अभियान चला, शोभा यात्रा निकली, उनको ये बताने के लिए संदेश दिया कि भगवत्पाद जगत गुरु शंकराचार्य अभी हैं भारत में, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए तत्पर हैं। नेपाल नेपाल के रूप में रहे, भारत भारत के रूप में रहे, स्वाभिमान में कभी नहीं आनी चाहिए। किसी माई के लाल में ताकत नहीं जो विधर्मी यहां पर टेढ़ी दृष्टि करके रख सके। भारत के अंदर वो ताकत है, ऋषि मुनियों का देश है। ये चमड़ियां गोरी काली जल के खाक हो जाती हैं। मालूम होना चाहिए कि घर में जब व्यक्ति जिसकी जो हम वंदना करते, जिसने हमको पालन किया, जिसके हम सेवक बन के रहे, अंतिम समय आता है तो घर वाले कहते हैं कि जल्दी ले जाओ, इस मसान में पहुंचता है तो लोग सगे संबंधी प्रतीक्षा करते हैं कि कितना समय लगेगा। चमड़ी की पूजा नहीं होती है भारत में। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयस्तदा हरिः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, भगवान पशुपतिनाथ की जय हो, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Radha Ramana Hare Govinda jaya jaya Radha Ramana Gopala jaya jaya Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Shambho Shiva 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 Narayana 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 Sampasthita समाधानीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति आज पूर्वाभ्याय श्री गोवर्धन मठ पूरी पीठ में मान्य दो वरिष्ठ महानुभावों की उपस्थिति मुझे अत्यंत प्रमुदित कर रही है। हिंदू राष्ट्र नेपाल से पधारे हुए माननीय श्री राजाधिराज जो कि राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति के पद को भी वहाँ सुशोभित कर रहे हैं, आज इस सभा में अपनी उपस्थिति से हमको अत्यंत प्रमुदित कर रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ के प्रति परंपरा से आस्थान्वित श्री नेपाल नरेश जी का भारत आगमन पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में पधारने पर यहाँ की प्रजा की ओर से अभिनंदन है। इस प्रकार का मनोभाव वे समय समय पर बनाकर भारत में पुरुषोत्तम क्षेत्र में इस पीठ में पधारते रहें, ऐसी भावना है। माननीय श्री गणपत महाभाग विद्वान हैं और ये सनातन सिद्धांत के अनुरूप भारत और नेपाल तथा भूटान को उद्भाषित देखना चाहते हैं। भारत में जो उत्कल क्षेत्र है ओडिशा प्रांत है, उसकी एक अद्भुत विशेषता है। उस विशेषता की अभिव्यक्ति नेपाल में भी सुगमता पूर्वक हो सकती है। वो एक 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 को लेकर विशेषता है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर
महाशब्द के प्रारंभ में पंच कृत्यों का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को पंच रूपों में उद्भासित करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा सूर्य के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को विष्णु के रूप में उद्भासित करते हैं। समृद्धि या संभार नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को शिव के रूप में उद्भासित करते हैं। तिरोधान या निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को शक्ति के रूप में उद्भासित करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को गणपति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। जिस प्रकार हथेली एक है, इससे पंच उंगलियों की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर उपनिषदों के आधार पर सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन सर्वथा अद्वय ही सिद्ध होते हैं। तथापि मैंने बताया पंच कृत्यों का निर्वाह करने की भावना से लीला पूर्वक वे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं को पंच रूपों में उद्भाषित करते हैं। इस ओडिशा में उत्कल क्षेत्र में वे पंचदेव और वेदादि शास्त्र सम्मत उनके अवतार जगह जगह प्रतिष्ठित और पूजित हैं, लेकिन पंचदेवों के जितने भक्त हैं वे सब के सब भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति समर्पित हैं। एक देव के प्रति सबका समर्पण इस प्रांत की एक अद्भुत दिव्यता को उद्भाषित करने में समर्थ है। साथ ही साथ एक राजा वंश परंपरा से प्राप्त गणपत जी के प्रति उड़ीसा की जनता पूर्ण आस्था रखती है और भगवान जगन्नाथ तथा पशुपत की कृपा से यहाँ की प्रजा एक आचार्य शंकराचार्य के प्रति पूर्ण आस्था रखती है, जबकि विविध संत महात्माओं का यह उद्भव स्थान है। मैं समझता हूँ एक 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 की जो दिव्यता उत्कल क्षेत्र को प्राप्त है वह जो के त्यों नेपाल को भी प्राप्त हो। पशुपतिनाथ से संबद्ध नेपाल की जनता है ही प्रजा है ही पंचदेवों में आस्थानित नेपाल की प्रजा एक देव जिनकी अभिव्यक्ति अन्य देव हैं भगवान पशुपतिनाथ को लेकर एकता का परिचय दे। और आप जो नेपाल नरेश हैं आपकी छवि पुनः पूर्वजों के तुल्य पूरे नेपाल में इस प्रकार उद्भासित हो कि एक शासक को लेकर नेपाल कटिबद्ध हो जाए एकत्व का परिचय दे। साथ ही साथ भगवतपाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने नेपाल को पूर्वान्नाय गोवर्धन मठ पूरी पीठ से जोड़ा। जैसे पोप कहीं भी रहते हैं लेकिन पूरे विश्व में क्रिश्चियन जगत के वे गुरु माने जाते हैं, उसी प्रकार नेपाल में भले ही पूरी पीठ न हो लेकिन नेपाल को भगवतपाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने इस पूरी पीठ से जोड़ा। पशुपतिनाथ जी को जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी को पशुपतिनाथ जी से जोड़ने वाले भगवान आदि शंकराचार्य हैं। उनका स्मरण करके नेपाल अपने आचार्य से सुदूर ना हो यह मेरी भावना। अब एक 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 का समीकरण नेपाल में सज जाता है तो मेरी दृष्टि में तो नेपाल हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, लेकिन राजनेताओं की दृष्टि में भी नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित होगा। बीरगंज आदि की यात्रा करके हमने घोषणा पूर्वक इस तथ्य को उद्भाषित किया था
और आपको सुनकर आश्चर्य होगा वो प्रचंड सचमुच में प्रचंड कमलिंग की धारा में बहकर नेपाल को तहस नहस करने वाले थे। जब वे प्रधानमंत्री थे तब मेरे पास उन्होंने सांस्कृतिक मंत्री को भेजा था, पशुपतिनाथ जी के ट्रस्टियों को भेजा था और प्रचंड जी ने एक निवेदन प्रस्तुत किया था सांस्कृतिक मंत्री के माध्यम से, पूरी पीठ के मान्य जगद्गुरु शंकराचार्य का जो दायित्व अधिकार श्री मंदिर पुरी में है वही दायित्व अधिकार पशुपतिनाथ में है। मेरी भावना है कि पुरी के शंकराचार्य अपने दायित्व का निर्वाह करें और हम उन्हें दायित्व समर्पित करते हैं। तो बहुत ऊंची बात है कि कमलिंग की धारा में बहने वाले प्रधानमंत्री को इस तथ्य का विज्ञान था और उन्होंने नेपाल के सांस्कृतिक मंत्री को मेरे पास भेजा, लेकिन मैंने भगवान चंद्रमौलीश्वर का स्मरण करके यह समझा कहीं यह घूस न हो। मैंने कहा समय की प्रतीक्षा करें प्रधानमंत्री, मैंने एक संकेत किया सज्जनों, एक विशेष तथ्य है जिन दिनों भगवतपाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने नेपाल की यात्रा की थी उन दिनों जो नरेश थे, आपकी परंपरा तो संभवतः राजस्थान की ओर से है, उन दिनों जो नेपाल के नरेश थे वे जैन मत के अनुयायी हो गए थे और पशुपतिनाथ जी की पूजा समर्चा भी सनातन सिद्धांत सम्मत शिवलिंग के रूप में न होकर किसी अन्य रूप में हो रही थी। भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग का यह अद्भुत वैदिष्य था कि उन्होंने उस समय के नेपाल नरेश को पुनः सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म का पक्षधर बनाया और वह संतानहीन थे, भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग के आशीर्वाद के फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति एक वर्ष की सीमा में हुई और शंकर ही उस पुत्र रत्न का नाम दिया गया। जब पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा भगवतपाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने की, देखा कि रत्न सिंहासन पर दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा प्रतिष्ठित नहीं है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि विश्व में सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है और यह पीठ या मठ ऋग्वेद से ही संबद्ध है और ऋग्वेद की दो ऋचाओं ने, एक नहीं दो, ऋग्वेद की दो ऋचाओं ने मुक्त स्वर से उद्घोष किया है, महोदधि के तट पर अमर पद प्रदान करने वाले दारु ब्रह्म यहाँ से जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिसको मोक्ष की भावना प्राप्त हो, जो उत्कर्ष चाहता हो अमर पद चाहता हो वह दारु ब्रह्म से जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के प्रति नतमस्तक हो। ऋग्वेद के द्वारा दारु ब्रह्म के रूप में श्री जगन्नाथ आदि ख्यापित किए गए हैं, दो मंत्र हैं, लेकिन जब भगवान शंकराचार्य जी जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ था, उन्होंने देखा 24 वर्ष की आयु जब थी भगवान शंकराचार्य महाभाग की, यहाँ तो दारु ब्रह्म प्रतिष्ठित नहीं परिलक्षित होते, मूर्ति भंजकों के शासन काल में दृष्टिगोचर नहीं थे जगन्नाथ आदि, अपने चिन्मय कर कमलों से भगवतपाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने पुनः श्री जगन्नाथ आदि को प्रतिष्ठित किया। बहुत ऊंची बात है कि ब्रह्मा जी की पांचवी पीढ़ी में जो इंद्रदुम्न हुए मालवा नरेश, उज्जैनी की ओर से आकर उन्होंने यहाँ से जगन्नाथादि दारु ब्रह्म को साक्षात ब्रह्मा जी के कर कमलों से प्रतिष्ठित करवाया था। आपको बहुत आह्लाद होगा, भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ उस समय भी श्री जगन्नाथ जी यहाँ थे या नहीं, देवी सुभद्रा का जब अवतार हुआ तो भी दारु ब्रह्म के रूप में अर्चा विद्रा के रूप में यहाँ सुभद्रा जी थी या नहीं, बलराम जी का जब अवतार हुआ उनके अवतार काल में भी यहाँ पर बलभद्र जी दारु ब्रह्म के रूप में थे या नहीं, तो इसका संकेत यह होता है भगवान श्री जगन्नाथ को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए
शालग्राम सुलभ कराया नेपाल नरेश ने। उस शालग्राम के ऊपर भगवान, एक विचित्र बात है, भगवतपाद शंकराचार्य साक्षात शिव के अवतार होने पर भी उन्होंने शालग्राम का नाम लिया, क्योंकि शिव रूप थे ही, नर्मदेश्वर का नाम नहीं लिया। भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा की भावना से शालग्राम का ही उल्लेख किया है। अपने ग्रंथों में जगह जगह उन्होंने भगवान विष्णु को ही उद्भाषित किया है। तो मैं एक संकेत करता हूँ, नेपाल नरेश से अपेक्षित शालग्राम प्राप्त होने के कारण उन्होंने फिर सोतबक क्षेत्र में जिन जगन्नाथ आदि को पुनः अपने चिन्मय कर कलों से प्रतिष्ठित किया, नेपाल नरेश को अधिकार दिया। उस अधिकार के उपभोक्ता और प्रयोक्ता अब तक के नेपाल नरेश होते आ रहे हैं। तो बहुत ऊंची बात है ना। जगन्नाथ जी को कश्यप नाथ जी को जगन्नाथ जी से जोड़ा और एक आचार्य की छत्र छाया में दोनों क्षेत्र पल्लवित पुष्पित हो, यह जो योजना थी वो भगवतपाद आदि शंकराचार्य महाभाग की थी, इसको समझने की आवश्यकता है। मैंने संकेत किया। तो सज्जनों, इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट नहीं बल्कि एकमात्र उत्कृष्ट है। वैचारिक धरातल पर, कान खोलकर सुनिए, वैचारिक धरातल पर विश्व के जितने तंत्र और वाद हैं, 10 मिनट भी सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत के आगे टिक नहीं सकते। ध्यान गया, सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के आगे विश्व के जितने वाद और तंत्र हैं आज भी टिक नहीं सकते। पूरे विश्व को इस तथ्य का ज्ञान है कि सनातन वैदिक आर्य मनुष्य ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, धर्म शास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, चिकित्सा शास्त्र दिया, गणित का विज्ञान दिया, वास्तु विज्ञान दिया। इसीलिए मनु भगवान ने डंके की चोर से उद्भाषित किया है, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्धति, जो कुछ काल गर्भित है उन सब तथ्यों और तत्वों का प्रकाशक वेद है वेद। साथ ही साथ वेदों का जो बीज है वो प्रणव या ओंकार है। ओंकार के महत्व को ख्यापित करते हुए मांडूक्य उपनिषद ने उद्घोषित की है डंके की चोर से, यत्त्व कालातीतम तदप्य ओंकार एवं, कालगर्भित ही नहीं अपितु कालातीत जितने तत्व हैं उन सब का भी अधिगम वेदों के द्वारा ही हो सकता है। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, आज भी वैचारिक धरातल पर कोई तंत्र हम लोगों के सामने मुंह उठाकर देख नहीं सकता है। इसका मतलब व्यास पीठ की यह गणना है, परंपरा प्राप्त गुरुओं से ज्ञान विज्ञान संपन्न जो व्यक्ति है आज भी विश्व में दिग्विजयी है, सबके प्रति लाड़ प्यार का संदेश देने पर भी सैद्धांतिक धरातल पर हमारे सिद्धांत के सामने विश्व का जितना सिद्धांत तंत्र वाद है कुछ महत्व ही नहीं रखता है। इस गणना को स्मरण करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सज्जनों, भारत का शासन तंत्र केंद्रीय है या प्रांतीय, कान खोल कर सुन ले, हमारी आपकी वंश परंपरा, पितृ परंपरा की दृष्टि वंश परंपरा और गुरु परंपरा कितनी है। श्रीमन नारायण से ही हमारी वंश परंपरा चलती है, श्रीमन नारायण से ही हमारी गुरु परंपरा भी चलती है। इस कल्प में हमारी वंश परंपरा और गुरु परंपरा 1,97,29,49,117 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। 2018 में 1,97,29,49,117 वर्ष हमारे गुरु परंपरा के व्यतीत हो चुके हैं, हमारे वंश परंपरा के व्यतीत हो चुके हैं। कोई विश्व शक्ति या फूक मार करके हमारे ज्ञान विज्ञान को उड़ा दे, संभव है क्या? संभव नहीं है सब। आज
शेर की प्रजाति की रक्षा हो, अजगर की प्रजाति की रक्षा हो, वनस्पतियों की प्रजाति की रक्षा हो, मनुष्यों की विविध प्रजातियों की रक्षा हो, इसका निरूपण किया जाता है, यह बात प्रसारित की जाती है। लेकिन पूरे विश्व को मालूम होना चाहिए, इतना प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान है उसकी रक्षा नहीं होनी चाहिए। और अंत में चुनौती देकर मैं बोलता हूं सावधान, मुझ जैसे शंकराचार्य आचार्य को जो मन परंपरा में है, अंग्रेजों की अकूट लिखी, अगर मन परंपरा में मन को मानने वाले आचार्य होते रहे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। जिस प्रकार हनुमान जी का नाम लेने पर भूत प्रेत इत्यादि की दाल नहीं गलती है, उसी प्रकार मनवाद शास्त्र सम्मत आचार्य अगर भारत में प्रतिष्ठित रहेंगे किसी शक्ति की दाल नहीं गल सकती। इसीलिए मन शंकराचार्य के पीठ को तिरोहित करने का षड्यंत्र अंग्रेजों ने भारत के राजनेताओं के माध्यम से किया। लेकिन मैं भी चुनौती देता हूं, हम जैसे व्यक्ति जिनको अनाज गुर परंपरा से वेदादि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान प्राप्त है, सातवें आसमान में भेज दो, नीचे रसातल में पहुंचा दो, वध कर दो। लेकिन हमारी चुनौती है वेद सम्मत ज्ञान विज्ञान को तत्पर रखकर, वैदिक आचार्यों को तत्पर रखकर, विकास के नाम पर पूरे विश्व को तिल भर भी खिसका के दिखा दो तो हम मान लेंगे कि हमारी प्रेरणा नहीं। क्या ये अच्छा हो कि विश्व के जितने दुर्धन्य वैज्ञानिक हैं उनके एक सेमिनार हो, इसका भी ध्यान रखिए। विश्व के जितने उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं उनके सेमिनार हो, संगोष्ठी हो, और मनमोहन सिंह जी और सेन जी और अमेरिका के नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रियों के भी सेमिनार हो, उसमें हम लोग इस तथ्य को उद्घाषित करें कि अर्थशास्त्र भी जानता है आज का विश्व क्या, आज के विश्व को अर्थशास्त्र का ज्ञान है क्या, अर्थ की परिभाषा भी लोगों को मालूम है क्या। शासन करने के बिना छोड़ दीजिए, मैं डंके की तौर से कहना चाहता हूं सज्जनों, पूरे विश्व ने वेद विहीन विज्ञान का आलंबन लेकर विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित किया है, उसके वर्ग से विकास नहीं विस्फोट निकल आ रहा है। ऊर्जा के चार स्रोत होते हैं, पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन, चारों स्रोत जो ऊर्जा के हैं इन्हीं के माध्यम से हमारे आपके शरीरों की संरचना भी हुई है। आज जो विकास को वेद विहीन विज्ञान के द्वारा परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है उसके गर्व से विस्फोट विस्फोट विस्फोट। इसीलिए पांच सात मिनट में और संदेश देना उचित समझता हूं। भगवान मन ने क्या संकेत किया, मन ने कहा महायंत्र प्रवर्तनम, अगर विनाश चाहते हो आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता के चपेट में विश्व को लाना चाहते हो, विश्व युद्ध चाहते हो, वर्ण संकरता चाहते हो, कर्म संकरता चाहते हो, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन को विकृत दूषित और क्षुद्ध करना चाहते हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करो। समझ गए, महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति 1163। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के नादान बच्चे जिन्होंने मनुस्मृति को जलाया उन पर तरस आती है। मैं कभी जवाहरलाल विश्वविद्यालय में बोल आया हूं कम्युनिज्म के विरोध में, कहा मेरा कहीं विरोध हुआ। मैं एक संकेत करना चाहता हूं, उन बच्चों के सामने पूरी मनुस्मृति नहीं, मनुस्मृति के भी एक श्लोक का केवल एक चरण रख दिया जाए, महायंत्र प्रवर्तनम, अराजकता को जन्म देने वाला है महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग। मैं उदाहरण देता हूं सावधान, किसी व्यक्ति से कहें एक काला रथ छेदन एक साथ गाल फुला के रह लो ठाका मार घस लो, संभव है क्या? अगर तो गाल फुला के रहेगा तो ठाका मार घस नहीं सकता, ठाका मार के हंसेगा तो गाल फुला के रह नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार पूरे विश्व को चुनौती है, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग करो, कोई भी दिव्य वस्तु या व्यक्ति शेष रह जाए तो बता के दिखाओ। ईश्वर के प्रबल संकल्प से बीज की रक्षा होती है, यह कौन सी विकास की परिभाषा है? पृथ्वी के भारत यज्ञ के संपादक जितने तत्व हैं उन सबका द्रुत गति से विरोध हो रहा है भारत में नेपाल आदि में भी। वेदश्च सतीभि सत्यवादिभिः अनुद्धर्मदानशीलैश्च सत्यभिर्धार्यते महि गोवंश
सदाचार संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण सती सत्यवादी निर्लोभ व्यक्ति दानशील ये पृथ्वी के धारक हैं। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए भूतपूर्व या वर्तमान यह कौन सी विकास की परिभाषा है जिनके गर्व से पृथ्वी के धारक यज्ञ के संपादक सकल तत्व द्रुत गति से नष्ट हो रहे हैं। यह विकास है या विकास के नाम पर कोई व्यभिचार है? इसीलिए विश्व पूरे विश्व को विचार करने की आवश्यकता। एक श्लोक और मैं कहता हूं, धर्म कामश्च कालश्च वसुः वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्च एव सप्तैते धरणीधरा। ये सात पृथ्वी के धारक हैं, द्रुत गति से पूरे विश्व में सातों का विलोप हो रहा है। इसलिए अब तक हमने संकेत किया पूरे विश्व के शासन तंत्र में वैज्ञानिकों में क्षमता नहीं है कि विकास के नाम पर विश्व को एक तिल भर भी खिसका के आगे ले जा सके। ऐसी स्थिति पूरे विश्व की लाचारी है। पूरा विश्व नतमस्तक है वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रति और किसी के हम भिखारी नहीं है। वामन भगवान अगर भिक्षा मांगने जाते हैं यज्ञों पवित्र का अंग है, वो पूरे विश्व के स्वामी होते हैं। वामन भगवान विष्णु के अवतार होते हैं। अगर राजा बलि की हम भिक्षा मांगने जाते हैं तो अनुग्रह करने जाते हैं। इसी प्रकार हम सन्यासी कहीं भिक्षा मांगते हैं तो उसका अनुग्रह करते हैं। ये नहीं कि दीनता हीनता को लेकर किसी शासन तंत्र से हाथ फैलाने की हमारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य का पद और दायित्व है शासकों पर शासन करना। इसको भूल चुका है विश्व। शंकराचार्य का पद ही बना था, दायित्व दिया गया था शासकों पर शासन करना। मैं संकेत करना चाहता हूं, दिशाहीन शासन तंत्र के शोधन की क्षमता जब शासन तंत्र में नहीं रहती तब जाकर आचार्यों की महिमा पूरे विश्व में ख्यापित होती है। हिरण्यकश्यप के दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती देने वाला दूसरा कोई शासन तंत्र नहीं था। तब देवर्षि नारद ने उसी के गर्भगत प्रहलाद नामक शिष्य को नीति और अध्यात्म का उपदेश देकर चलता फिरता आत्मभम बना दिया। प्रहलाद ने न तो गाली का प्रयोग किया न गोली का प्रयोग किया, हिरण्यकश्यप के दिशाहीन शासन तंत्र को रसातल में पहुंचा दिया। ये आचार्य की महिमा। विश्व के किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से हमें अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको कुछ सीखना है तो हम लोगों का आलंबन लें, और नहीं लेते हैं तो पूरे विश्व को विनाश की ओर धकेल सकते हैं। पूरे विश्व को दिशा देने की क्षमता किसी भी शासन तंत्र में नहीं है। अभी भारत का शासन तंत्र नहीं समझ रहा है, लेकिन 92 के बाद ही वर्ल्ड डेवलपमेंट डायलॉग नामक संस्थान ने विश्व बैंक ने इस रहस्य को समझ लिया था। विश्व में जितना शासन तंत्र है उसमें वो क्षमता नहीं कि विश्व को सच्ची दिशा दे सके। संक्षेप में यह कहना चाहता हूं, कालांतर में वेन का शासन हुआ, भृगु जी ने शोधन किया, पृथ्वी जी को प्रकट किया। इसी प्रकार से कालांतर में वशिष्ठ जी ने रावण के शासन को उन्मूलन के लिए रामभद्र को प्रकट किया। इसी प्रकार भगवान वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण भगवान को प्रकट करके कंस दुर्योधन के दिशाहीन शासन तंत्र को छिन्न किया। कल काल में कुमार भक्त और भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने धर्मराज विष्ठिर की वंश परंपरा में जिनका जन्म हुआ था सुधन्मा बौद्ध सम्राट हो गए थे, उनका शोधन करके सनातन साम्राज्य की प्रतिष्ठा करवाई। और कालांतर में चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को आगे किया। कालांतर में समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को आगे किया। इसका अर्थ यह है किसी भी शासन तंत्र में विकृति आती है या विश्व का कोई भी शासन तंत्र से शोधन करने की क्षमता नहीं रखता तब विश्व जान जाता है कि आचार्य का क्या महत्व है। एक उदाहरण और देते हैं, श्रीमद् भागवत का छठा स्कंध जिसको आजकल की भाषा में पार्लियामेंट कहते हैं, लोकसभा चल रही थी देवराजेंद्र की, वशिष्ठ जी अधिकृत थे पार्लियामेंट में भाग लेने में, अधिकृत थे देवराजेंद्र के भी गुरु थे। कौन? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी पहुंच गए, देवराजेंद्र ने नमस्कार भी नहीं किया। बृहस्पति जी योग बल का आलंबन लेकर तिरोहित हो गए।
उन्होंने देवराज इंद्र की सेना का फरन नहीं किया, संपत्ति का फरन नहीं किया, विद्या का फरन नहीं किया, शाप नहीं दिया, कूटनीति का प्रयोग करके फूट डालने का काम नहीं किया, केवल वरद हस्त को हटा लिया। श्रीमद भागवत का छठा स्कंध पढ़िए, सैकड़ों वर्षों तक इंद्र को रोना ही रोना पड़ा, मानसरोवर में भूखे रहकर भी छिप के जीवन यापन करना पड़ा। यद्यप ब्रह्मा जी का अनुग्रह, भगवान विष्णु का अनुग्रह भी उसने प्राप्त किया और विश्व रूप को नया गुरु भी बनाया, सब एक और, लेकिन बृहस्पति जी का गर्भहस्त न होने के कारण इंद्र की जो दुर्दशा हुई उसका उल्लेख श्रीमद भागवत में है। तो हम लोग कहीं के भिखारी नहीं है, पूरे विश्व को कहते हैं, आपको शंकराचार्य नहीं चाहिए ना, मत मानो शंकराचार्य को, पूरे विश्व को आगे करके खिसका के दिखा कर दो। इसलिए इस रॉकेट कंप्यूटर इतना मोबाइल के बिना भी सज्जनों वेद सम्मत ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही पूरे विश्व का उत्कर्ष हो सकता है। इतना मैंने संकेत किया, मिथिला वाले ने कुछ कहा, मिथिला क्षेत्र की यह महिमा है कि आज दो देशों में विभक्त है। मिथिला जहाँ जनक भी राज्य करते थे, 27 जीवन युक्तों ने जहाँ राज्य किया, वो तो नाम है नेपाल, आज जिसको जनकपुरी कहते हैं वो कौन है, जनक एक दो नहीं, ये नेपाल और भारत का गौरव रहा है कि मिथिलांचल क्षेत्र में जो जनकपुर है वहाँ 27 पीढ़ी तक राजर्षि जीवन मुक्त होते रहे हैं, या जगल इत्यादि भी राजपंडित के रूप में उस दरबार की शोभा बढ़ाते रहे हैं। मिथिलांचल आज दो देशों में विभक्त है, एक का नाम है नेपाल, एक का नाम है भारत। तो हमने कुछ संकेत किया और नेपाल के प्रति हमारी स्वाभाविक आस्था भी है, नेपाल सुरक्षित रहेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा। मुझसे कहा गया भारत तो संभाल नहीं रहा है, नेपाल की ओर कौन दृष्टि डालते, हमने कहा नहीं, नेपाल सुरक्षित रहेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा, नेपाल को हर प्रकार से सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है, चाहे तो नेपाल नरेश भी हम लोगों से लाभ उठा सकते हैं, हर हर महाराज।